असलम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब अल्लाह ताली से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों स्टूडेंट आज की अपनी इस वीडियो में हम सी एस वन ओ वन का मॉड्यूल नंबर थर्टी वन थर्टी टू एंड थर्टी थ्री डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर थर्टी वन है आपका डाटा कंप्रेशन तो चलिए स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट एम सी क्यू है द मोस्ट कॉमनली यूज स्टैंडर्ड्स फॉर इन कोडिंग एंड कंपर कंप्रेशन ऑडियो एंड वीडियो वर् डिस्प्लेड बाई द डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ आई एस ओ ठीक है ये आपका इसका आंसर है एम पैग यानी कि आपकी ऑडियो और वीडियो की कंप्रेशन और इनकॉडिंग के लिए जो मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड है वो कौन सा यूज होता है आपका एम पैग यूज होता है इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड एम सी क्यू पे एम पेक स्टैंड फॉर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप ठीक है ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है और ये आपकी एवरीविएशन है मैंने आपको जितने भी अब तक के आपके मॉड्यूल्स हुए हैं उसमें जितनी भी आपकी एवरीविएशन थी वो तमाम मैंने आपको प्रोवाइड की हैं और आप लोगों ने लाजमी याद करनी है क्योंकि ये भी आपको एम सी क्यूज में आती हैं नेक्स्ट चलते हैं एच डी टी वी एवरीविएशन ऑफ हाई डेफिनेशन टेलीविजन ठीक है एच डी टी वी और ये आई थिंक आपका पास्ट में मैंने शायद देखा था ये आया हुआ है आई थिंक बट ये आप लोगों ने एवरीविएशन फिर भी सब याद करनी है आपने इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि मुझे है आइडिया कि आपका पास्ट में वैसे तो मैंने पास्ट इसके आपके कोई एम नहीं बने मैंने काफ़ी सारी पास्ट क्विजेस देखे हैं कहीं पर भी आपका इन में से कोई ख़ास नहीं आया हुआ बट एब्रीविएशन आप लोगों ने सब लाजमी करनी है नेक्स्ट चलते हैं द आई फ्रेम्स आर यूजली कंप्रेस्ड विद टेक्निक्स सिमिलर टू जे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट एमसी क्यू है द बेस्ट नॉन सिस्टम फॉर कंप्रेसिंग ऑडियो इज एम पी थ्री ठीक है ऑडियो की कंप्रेसिंग के लिए जो बेस्ट सिस्टम है वो आपका है एम पी थ्री अ शॉर्ट पीरियड आफ्टर अ लाउड साउंड द ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट सॉफ्टर साउंड दैट वुड बी ऑडिबली कॉल फ्रीक्वेंसी मास्किंग ये अब आपकी फ्रीक्वेंसी मास्किंग की डेफिनेशन है आप लोगों ने याद करनी है MP3 पी थ्री कैन बी यूज टू ऑपटेन सिग्निफिकेंट कंप्रेशन ऑफ ऑडियो वाइल मेंटेनिंग नियर सी डी क्वाल क्वालिटी साउंड ये भी आपकी ट्रू है और सी डी आपको पता है एवडिविएशन क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क इसके बाद ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपके के बी पीज में यानी किलो बी पीज किसके इक्वल होता है वन थाउजेंड बी पीज के ठीक है इसके बाद आपका एम बी पीज यानी मेगा बी पी इज इक्वल टू वन मिलियन और वन मिलियन आपको पता है टेन लैक के बराबर होता है इसके बाद आपके पास गीगा बीबीज है ये आपके पास किसके इक्वल होता है नेक्स्ट ये देख लेते हैं MCQ इसका ये है है आपका बिलियन बिलियन एंड इज इक्वल टू करोड़ ठीक मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको याद रहे इसके बाद नेक्स्ट है एम थ्री रिकॉर्डिंग जनरली रिक्वायर ट्रांसफर रेट ऑफ नो मोर देन सिक्सटी फोर के ठीक है जी स्टूडेंट ये था आपका मॉड्यूल नंबर थर्टी नेक्स्ट चलते हैं आपका मॉड्यूल नंबर है थर्टी टू कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट्स, ठीक है सीपीयू यू कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। नेक्स्ट अब इस देख लेते हैं कौन से पार्ट्स हैं इसके सीपीयू कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर यूनिट ये मैंने एक ही स्टेटमेंट में इसको लिख दिया ताकि आपको पता हो कि सीपी यू कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट रजिस्टर यूनिट ठीक है ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है या फिर अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपको पता हो कि ये तीन नेम आपने लिखने हैं स्टेटमेंट आपकी ट्रू है नेक्स्ट चलते हैं द डैश विच कंटेन द सर्किट्री दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन डाटा सच एज एडिशन एंड सब्ट्रेक्शन ठीक है data, तो आपको पता है कि एडिशन और सब्ट्रेक्शन ये कौन से आपके ऑपरेशन होता है ये आर्थमैटिक ऑपरेशन होता है ठीक है इसमें हम लॉजिक यूनिट या फिर इसको हम आर्थमैटिक भी कहते हैं इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फोर एम सी क्यू है आपका द डैश विच कंटेन्स द सर्किट्री फॉर कोआर्डिनेटिंग द मशीन्स एक्टिविटीज ये होता है आपके पास कंट्रोल यूनिट ठीक है पहले जो था वो हमने अर्थमेटिक का फंक्शन देखा है कि वो क्या करता है और ये नेक्स्ट जो है ये अब कंट्रोल यूनिट का है कि कंट्रोल यूनिट का क्या का काम है इसके बाद ये जो नेक्स्ट है आपका फाइव एम सी क्यू द डैश विच कंटेन्स डाटा स्टोरेज सेल सिमिलर टू मेन मेमोरी सेल तो ये आपका क्या होता है रजिस्टर यूनिट ठीक है अब आपने इनका वर्क आपको याद रखना है कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है रजिस्टर यूनिट का क्या काम होता है और अर्थेमेटिक का क्या काम होता है ठीक है जो ये रजिस्टर यूनिट है ये आपका डाटा स्टोरेज करता है इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डैश आर यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द सी ठीक है रजिस्टर्स आर यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेम्परेरी स्टोर पे जो स्टोरेज होती है इंफॉर्मेशन की सीपी में वो रजिस्टर उसमें हम रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं सम ऑफ रजिस्टर 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 द यूनिट आर कंसिडर जनरल ये आपका ट्रू है क्योंकि जनरल परपज रजिस्टर होते हैं कुछ रजिस्टर्स आपके यानी कि अगर आप इसको देखें तो ये है कि रजिस्टर यूनिट के अंदर जो कुछ रजिस्टर्स होते हैं वो आपके जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं और बाकी जो होते हैं वो फिर आपके स्पेशल पर्पज रजिस्टर कहलाते हैं ठीक है ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है नेक्स्ट है डैश रजिस्टर सर्व एज टेम्परेरी होल्डिंग प्लेसेस फॉर डाटा बीइंग मेनुपलेटेड बाय द सीपीयू अभी हमने ऊपर भी देखी है तो ये आपका कौन सा है जनरल पर्पस रजिस्टर सर्व एज टेम्परेरी होल्डिंग प्लेसेस फॉर डाटा ठीक है टेम्परेरी होल्ड करता है डाटा को इसके बाद नेक्स्ट है आपका टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन डाटा स्टोर्ड इन मेन मेमोरी द डैश ट्रांसफर्स द डाटा फ्रॉम मेमोरी इनटू जनरल पर्पस रजिस्टर ये काम आपका कौन करता है कंट्रोल यूनिट यानी कि अगर आपने किसी स्टोर मेन मेमोरी के अंदर किसी स्टोर डाटा के ऊपर जब आपको ऑपरेशन अप्लाई करते हैं परफॉर्म करते हैं तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है इस डाटा को ट्रांसफर करता है मेन मेमोरी से जनरल पर्पस रजिस्टर में ठीक है ये कंट्रोल यूनिट इस करता है इसका इसके बाद नेक्स्ट है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग बिट पैटर्न आ मशीन एंड मेन मेमरी आर कनेक्टेड बाय अ कलेक्शन ऑफ वायर्स कार्ड बस अब आपको पता होना चाहिए वट इज बस तो आप इसकी डेफिनेशन में ये चीज लिख सकते हैं नेक्स्ट है द टास्क ऑफ एडिंग टू वैल्यूज स्टोर्ड इन मेन मेमरी इन्वॉल्व मोर देन मोर एग्जीक्यूशन ऑफ द डैश ऑपरेशन ठीक है एडिशन यूज़ होती है जब आपने मेन मेमोरी में किसी दो वैल्यूज़ को ऐड करना होता है तो आप उसके लिए कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं एडिशन का जी स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं आपका मॉड्यूल नंबर थर्टी थ्री है डाटा मैन्यूपलेशन इसमें आपका एम सी क्यू जस्ट एक ही ये था इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये आपका मॉड्यूल और इसके पास एम सी क्यूज़ भी मुझे नहीं मिले ठीक है तो बाकी जो थे ये इंपॉर्टेंट जो भी थे वो मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड कर दिए हैं द आइडिया ऑफ स्टोरिंग कम्प्यूटर्स प्रोग्राम इन इट्स मेन मेमोरी इज कॉल्ड स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ये आपका ट्रू है ये आपकी डेफिनेशन भी बनती है जी स्टूडेंट्स उम्मीद करती हो वीडियो आपको पसंद आई होगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए अल्लाह हाफिज़